प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बांड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी ब्रांड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया उससे संकेत मिलता है कि ब्रांड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन देन कंपनियों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। डेटा से पता चलता है कि जिन कंपनियों को बड़ी परियोजनाएं मिली उन्होंने परियोजनाएं प्राप्त करने के करीब सत्तारूढ़ दलों को ब्रांड के माध्यम से बड़ी रकम दान की। संभावित रिश्वत के अलावा डेटा यह सूचता है कि चुनावी ब्रांड के माध्यम से दान देने वाली कंपनियों पर विनियामक निष्क्रियता और घाटे में चल रही और राजनीतिक दलों को धन दान करने वाली शेष कंपनियों के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। इसके अलावा डेटा संभावित जबरन वसूली के मामलों को उजागर करता है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय CBI और IT विभाग जैसी एजेंसियां शामिल हैं। चुनावी ब्रांड घोटाला संभवतः देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है जिसकी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। है कि किस तरह से एक बड़े स्केल पर घोटाला हुआ है। कंपनियों ने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज को, जो रूलिंग पार्टीज हैं, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और तमाम जो ED, CBI, IT जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका रोल भी इसमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें एम्ब्रॉयल्ड हैं वो, क्योंकि उनकी जब रेड्स चल रही थी उसी समय पर उन्होंने पैसे दिए हैं सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को। और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से। अभी हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम बहुत इस चीज़ से दुखी हैं कि सूचना के अधिकार कानून का लगातार हमारे देश में उल्लंघन हो रहा है, उसे कमज़ोर बनाया जा रहा है। एक ऐसा अधिकार जो कि हम सब लोगों के लिए मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश में भी आज की तारीख में एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। सूचना आयोग जो मध्य प्रदेश का है वो खाली पड़ा है। उसी तरह से जो सेंटर में सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पर भी ये रिकॉर्ड है कि 2014 से एक भी नियुक्ति नहीं की जा रही है आयोग में, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे रहे। तो आज